शेफाली मिश्रा एंड वेंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब वो सारे कारक जो कि टीचिंग को, शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो क्या कुछ कारक हैं? सबसे पहला तो जो कारक है आपके सिलेबस में, यूजीसी नेट एनटी ने जो सिलेबस रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं, तो टीचर्स के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग में, लर्नर्स के ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, सपोर्टेड मटेरियल जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या क्या होती हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। हम एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सेशन कितना बड़ा होगा मेरा इस पर फोकस नहीं है, मेरा फोकस इस चीज़ पर है कि सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। पेपर वन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, या बोल ले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट से लगभग मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, कभी कभी इस पर्टिकुलर यूनिट से 5 से भी ज्यादा क्वेश्चन, लगभग 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग कि क्या पैटर्न है तो उस हिसाब से क्वेश्चंस जिनकी रेंज है वो चेंज हो जाती है। सेशन 6 है ये, इसके पहले ऑलरेडी 5 सेशन मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक कंसेप्ट्स, मॉडल क्लासिफिकेशन, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, एंड देन आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग, और फिर लर्नर्स के जो विशेषताएं हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हुई है पूरा डिटेल में। अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। सो सेशन को अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। पहला तो टीचर हो गया, लर्नर, सपोर्टेड मटेरियल एंड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, एंड देन आपके लर्निंग एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है टीचिंग को, और जिस इंस्टीट्यूशन, जिस संस्थान में आपकी टीचिंग हो रही है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, वहाँ के भी कुछ कारक होते हैं जो कि टीचिंग को प्रभावित करते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, हमें सारी चीज़ें वन बाय वन देखते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपकी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो कि टीचर से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसमें आपके लगभग कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, तो हम इन सारे 6 पॉइंट्स को एक एक करके समझेंगे। तो टीचर का सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज कितना है, वो जिस विषय को पढ़ा रहा है उस विषय के बारे में उसकी जानकारी कितनी है, इस बात से भी टीचिंग बहुत अफेक्टेड होती है। अगर जानकारी कम है तो वो उस हिसाब से नहीं बता पाएगा, या उस हिसाब से वो बच्चे को नॉलेज, इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर पाएगा, प्रॉम्प्ट एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा। तो सब्जेक्ट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है नॉलेज ऑफ लर्नर्स, कि लर्नर्स के पास भी कितनी जानकारी है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो जो विद्यार्थी सुन रहा है उसकी भी नॉलेज कहीं ना कहीं बड़ा मायने रखती है। अगर उसको पहले से कुछ उस विषय पे पता है तो उसकी नॉलेज और कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती है, इन्हांस होती है। कुछ भी नहीं पता है तो एकदम एक तरीके से बोल ले कि कोरे कागज पे लिखने जैसा हो गया, सारी कुछ चीज़ें उसके लिए नई होंगी। जो भी टीचर उसको बात बताएगा उसको थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि वो रिकॉल करेगा, थोड़ा सा समराइज करेगा, एनालाइज करेगा, रिविजन करेगा, उस पर प्रैक्टिस करेगा, तो वो चीज़ पक्की हो पाएगी। टीचिंग स्किल भी बड़ी मायने रखती है, टीचर किस स्किल का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है, किस प्रकार से वो उदाहरण दे रहा है, अपनी बात को किस प्रकार से वो रख पा रहा है, तो उनकी जो स्किल है, उनका कौशल है बोलने का, संप्रेषण स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जो बोलते हैं ना बोलचाल, बोली किस प्रकार से वो इस्तेमाल कर रहा है, वो भी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं टीचिंग के लिए, टीचिंग प्रोसेस के लिए। तो बहुत ही तरीके से आप बोले कि पॉजिटिवली भी अफेक्ट करती हैं, और अगर नहीं अच्छा है तो एक तरीके से नेगेटिव उनका एस्पेक्ट हो जाता है। टीचर कितना फ्रेंडलीनेस नेचर है टीचर का, एंड अप्रोचेबिलिटी कितनी अच्छी है उसके स्टूडेंट्स के प्रति, मतलब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, स्टूडेंट्स से उसका व्यवहार कैसा है, विद्यार्थी अगर क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किस प्रकार के वो व्यवहार कर रहे हैं, सिचुएशन को कैसे वो डील कर रहे हैं बेसिकली, है ना, उनके अप्रोच क्या है स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत मायने रखता है। फिर पर्सनैलिटी क्या है एंड बिहेवियर क्या है, टीचर का खुद का बिहेवियर क्या है, टीचर की खुद ही पर्सनैलिटी क्या है, ऐसा कि बस क्लास में आ गए कुछ भी पहन के आ गए, मतलब उनका जो अटायर है, जो उन्होंने ड्रेसिंग करी हुई है, कई बार वो भी देखने में बड़ी अटपटी से लगती है, तो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में ले लेते हैं, या मतलब मजाक करते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, है ना। उनकी पर्सनालिटी भी उस हिसाब की होनी चाहिए कि वो कोई बात बोल रहे हो तो उनकी बात में वजन एक बात हो, ठीक, तो ये एक बात हो कि उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए सामान्य तरीके से वो बिहेव करें, वो बच्चों के साथ में एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम डंडा लेकर के खोपड़े पे सवार रहेंगे
तो भी कहीं ना कहीं बच्चे उनसे मतलब जितना जरूरी है उतना आप करिए, तो वो बिहेवियर बड़ा मायने रखता है। फिर लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ कंडीशन क्या है और वो किस लेवल पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्लासरूम की सिचुएशन से। कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ाई के मूड में नहीं होते हैं, थोड़ा सा वो हंसी मजाक के मूड में होते हैं, तो उनको उस हिसाब से आप उनका मूड समझ करके ना, वैसा तो नहीं है कि क्लास बंद कर दोगे, पढ़ाओगे ही नहीं, पढ़ाओगे बट थोड़ा सा आप उस फन वे में पढ़ाओ उस दिन, है ना, जिस तरीके से वो, कि कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, कभी कभी आपको स्टूडेंट्स के माइंड के हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, कभी कभी आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं होता, घर में किसी बात से लड़ाई हुई है वाइफ से, है ना, या गर्लफ्रेंड ने फोन करके चार बात सुनाई है अच्छे से, अब पता चला उसका गुस्सा बच्चों के ऊपर उतार दोगे, मम्मी से डांट खा के आए हो, है ना, या दीदी से बहन से डांट खा के आए हो, रास्ते में आ रहे थे घर से, एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, सैलरी नहीं मिली, आपके प्रिंसिपल ने सैलरी डिडक्ट कर ली, या वीसी ने कुछ बोल दिया, कोई भी बात हो गई, प्रोफेसर से कुछ पंगा हो गया, अपने एसोसिएट से कुछ कोई एक बात हो गई, सारा गुस्सा उतार दोगे स्टूडेंट्स के ऊपर में, है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ बड़ी मायने रखती है, टीचर खुद में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब बच्चों से एक तरीके से वो बात करे, एक डिसिप्लिन वे में व्यवहार उसका होना चाहिए, स्टूडेंट से विद्यार्थी है तो एक उसको गैप मेंटेन करके रखना होगा, है ना, ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट से तू तड़ा करके बात करे, फिर बहुत फ्रेंडली वाला बिहेवियर हो जाए कि यार और दोस्ती वाला चीज हो जाए, फिर वहां पे ना वो एक बहुत गलत वे में आपका चला जाएगा, ऐसा होता है आजकल के तो शिक्षण, मतलब बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं, बट हालांकि इसीलिए कहीं ना कहीं टीचिंग जो है वो अफेक्टेड भी हो जाती है, तो डिसिप्लिन में होना चाहिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको एकदम अपने फॉलो करने चाहिए, एंड ठीक तरीके से उसको एक गैप बना करके रखना होगा, किसके साथ, लर्नर्स के साथ भी, विद्यार्थी के साथ में। तो ये सारे कुछ हो गए फैक्टर्स जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये एक बात थी, छोटी सी बात बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये टीचर्स वाला। कुछ लर्नर्स के भी बोलने की फैक्टर्स होते हैं, लर्नर्स का भी एक फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि टीचिंग को, शिक्षण को प्रभावित करता है। लर्नर का एक साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है और फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, मतलब मेंटल कंडीशन बच्चे की क्या है और शारीरिक कंडीशन क्या है, मतलब कई बार बच्चों को कुछ विजन मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है, सुनने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग इंपेयरमेंट्स हो जाते हैं, विजन इंपेयरमेंट्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे मतलब या चलने फिरने में कुछ दिक्कत होती है, तो फिर वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक तरीके से हिंड्रेंस पैदा करती हैं स्टूडेंट की लर्निंग में, विद्यार्थी की लर्निंग में। तो क्या कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो इसमें एक पॉइंट है मैच्योरिटी, देखिए आपके सामने भी मैंने नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, जरूरी नहीं है कि मैं एक एक लाइन आपको समझाऊंगी, पढ़ूंगी, रीड करूंगी तो ही आप इसका मतलब समझ सकते हो, नहीं, मैं अपनी लैंग्वेज में, अपने वे में आपको समझाते हुए चल रही हूँ, ये सारे आपके नोट्स के लिए है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये पूरा पढ़ सकते हो ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन पूरा कर ही रही हूँ, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि मैं एक एक लाइन को यहाँ पढ़ूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो ही फिर वो कंसेप्ट आपको समझ में आए, कंसेप्ट को समझ लो ताकि एग्जामिनेशन में अगर ये पॉइंट आए तो आपको क्लिक कर जाए कि मैच्योरिटी वाली बात है तो मतलब लर्नर के लिए बोली गई है, एज वाली बात है तो लर्नर के लिए बोली गई हुई है, ठीक, तो वो एक बात है। तो जो लर्नर की मैच्योरिटी है वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्यों, क्योंकि आप अगर मतलब अगर आप छोटे हो, अगर आप इमेच्योर हो, आपका माइंड उतना डेवलप नहीं है तो आप चीजों को पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको किताब पढ़ने के लिए दोगे तो बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, राइट, वो लिख भी नहीं पाते है ना, वो उल्टी सीधे तरीके से लिखेंगे, स्पेलिंग उनकी गड़बड़ होगी, तो आपकी मेच्योरिटी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से फोर्स करता है या आपको प्रेरित करता है कि कितना आपको पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि मुझे कौन सी बुक से पढ़ना है, उसको क ख ग घ भी लिखने नहीं आता, अब आप उसको फोर्थ क्लास की बुक पढ़ाओगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक उसी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स को रिसर्च लेवल की बात समझाओगे तो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उस वजह से आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन ये बातें अगर मैं 4 साल के बच्चे को समझाऊंगी तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो उसकी क्यों नहीं समझ में आएगा, मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि उसका जो एक बोल सकते हो परिपक्वता है ना वो डेवलप नहीं हुई है। तो मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ इस बात से नहीं है कि आप चल पा रहे हो कि नहीं, आप बात कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी मैच्योरिटी इसेंशियल रोल प्ले करती है किसी भी स्किल को अडॉप्ट करने में, है ना, रीडिंग को, राइटिंग को, इन सबको इम्प्रूव करती है, क्या लर्न करना है और कैसे लर्न करना है, कहीं ना कहीं आपकी मेच्योरिटी लेवल जब स्ट्रांग होती है तो आप डिसाइड कर पाते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो बॉडीली ऑर्गन है आपका क्या, माइंड, तो आपका माइंड ही मेच्योरिटी से, परिपक्वता से
रिलेटेड होता है। दूसरा एज फैक्टर होता है इसमें कि आपकी उम्र क्या है। जैसे जैसे छोटा एक मतलब चिल्ड्रन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो उनकी जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्न कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, नई चीज़ों को एक्वायर कर पाते हैं और कंपेयर कर पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो जो एक बच्चा थोड़ा सा ग्रोन अप हो चुका है उसको समझाना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है कंपेरेटिवली जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। अगर आप 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को कोई बात समझाओगे तो वो बात आप उसको अच्छे से नहीं समझा सकते हो, लेकिन वही बात अगर आप 19 साल के बच्चे को समझाओगे 20 साल के बच्चे को समझाओगे तो वो उस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके मेंटल एबिलिटीज हैं वो उसके एज के अकॉर्डिंग बढ़ती चली गई है ना, उसकी पोटेंशियलिटीज बढ़ती चली गई, डेवलप होता है वो एज बाई एज, राइट। तो ये एक बात हो गई, मेच्योरिटी को समझा, एज को समझा। मोटिवेशन वाली बात में क्या है कि वो मोटिवेशन सिर्फ लर्निंग का ही नहीं किसी भी एस्पेक्ट का बड़ा ही कोर कंसेप्ट है। बिना मोटिवेशन के आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड होते हो तभी ही उसमें परसिस्टेंसी आती है, मतलब दृढ़ता आती है। आप मोटिवेटेड हो कि मुझे यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना है, अगर आप फुल्ली मोटिवेटेड हो तो आप डेली पढ़ाई करोगे, आप डेली सेशन को देखोगे, डेली मॉक टेस्ट लगाओगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करोगे, या जो टॉपिक्स आपके कमजोर है आप उनको रिवाइज करोगे, लर्न करोगे। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड हो, और जो मोटिवेटेड रहता है वही परसिस्टेंट भी रहता है, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, दृढ़ विश्वास के साथ लगा रहता है कि मुझे ये करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मोटिवेशन, आपको अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक लेके आता है लर्निंग प्रोसेस के लिए। कितना आपको पढ़ाई करनी है, कितनी आपकी कंडीशनिंग होनी है, सारा कुछ इस मोटिवेशन के अंदर में आता है। मोटिवेशन की वजह से आपकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग है वो अच्छी हो जाती है, मतलब कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा। मोटिवेशन आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, कोई भी आप काम करो प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में, वहाँ मोटिवेशन एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से एक माइंड में क्यूरियोसिटी आती है, आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर पाते हो, वाइडर एस्पेक्ट भी देख पाते हो, ठीक। तो एक बात हो गई, अगर आपको कोई चीज़ सीखने की एक जिज्ञासा ही अंदर नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तो आप क्या ही किसी चीज़ को सीख पाओगे। तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है लर्निंग का। किसके अंदर होना चाहिए मोटिवेशन? लर्नर के अंदर में, ठीक। तो ये एक बात होगी। नेक्स्ट है इसमें कि प्रीवियस लर्निंग, आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में प्रीवियस लर्निंग क्या है उससे बड़ा मायने रखता है कि आप जो अभी सीख रहे हो, जो सुन रहे हो, उसको कितना रिलेट कर पाओगे। आपके पहले के कुछ एक्सपीरियंसेस अगर हैं, किसी मटेरियल से आपने कुछ पढ़ाई करी हुई है, कुछ बुक्स या किसी सोर्सेज से, तो आपकी लर्निंग थोड़ी सी और इजी हो जाती है, आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर हो जाता है, एक ग्राउंड आपका पहले से ही बना हुआ रहता है जो आपको ईजीनेस प्रोवाइड करता है नई चीज़ों को लर्न करने के लिए, या जो आप पढ़ रहे हो उसमें वो हेल्प करता है। तो आप का प्रीवियस लर्निंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ नहीं अगर आपने पढ़ा है तो सारी चीज़ें आपको नई नई लगेंगी, फिर आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करोगे वो आपका पक्का नहीं होगा। दूसरा, आपकी इंटेलिजेंस, मतलब कि आपका मेंटल एबिलिटी कितना है, आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी संज्ञानात्मक जो डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से है। ये एक इन्यूट मेंटल एबिलिटी होती है, हर एक स्टूडेंट का जो इंटेलिजेंस होता है, मतलब बुद्धि होती है, वो अलग अलग होती है। कुछ जो बच्चे होते हैं ऐसे कि जिनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका आईक्यू थोड़ा सा कम होता है, मतलब इंटेलिजेंस लेवल जो उनका कम होता है थोड़ा सा। तो जिन बच्चों का आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, सीख लेते हैं, मतलब उनको एक बार में बताया उनको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको एक बार में बताया वो सीख लेते हैं। और जिनका थोड़ा सा कम होता है उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो एवरेज आईक्यू वाले चिल्ड्रन होते हैं, या बोल लें कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लर्नर, तो चीज़ों को थोड़ा सा ग्रेजुअली समझते हैं, स्लोली वो ग्रैस्प करते हैं। तो हर एक लर्नर की जो एबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। तो हम बौद्धिक जो क्षमता होती है वो लर्नर्स की पता चल जाती है, सेशन के दौरान पता चल जाती है, क्लास के दौरान पता चल जाती है, आईक्यू टेस्ट क्वेश्चंस कुछ बेसिक से हम पूछते हैं तो ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स का टर्म्स मतलब इन टर्म्स ऑफ आईक्यू कितना उसका लेवल है। तो एक बात हो गई, तो आप किसी चीज़ को कितना अच्छे से और कितना बेहतर तरीके से समझ पाते हो ये आपकी खुद की आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। अगर आप पहले से आपके दिमाग में कोई एंजाइटी है, कोई विवाद है, किसी से झगड़ा हुआ है, टेंशन में हो, ठीक, तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक होना चाहिए। ये टीचर के लिए भी मतलब वैल्यूएबल है, उतना ही एप्लीकेबल है उतना ही एक लर्नर के लिए होता है। आपका जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, मतलब जो हम सोच रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं, आप उस चीज़ को उस हिसाब से सोच ही नहीं रहे हो, मतलब
फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और हो, परेशान हो, घर में कुछ झगड़ा हुआ है या फ्रेंड से कुछ चिक चिक हुई है या कोई कुछ प्रॉब्लम है आपके माइंड में, आपको एक एक फ्रस्ट्रेशन सा है या कुछ डर सा है, एंजाइटी है, एग्जामिनेशन का डर रहता है, तो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, है ना, 2-3 1 हफ्ते एग्जामिनेशन में बचे रहते हैं, तो क्या होता है कि आपकी लर्निंग बहुत अपना 100% नहीं दे पाते हो, आपका आउटकम बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा आ पाता है। तो एक टीचर को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि चिल्ड्रन को इमोशनल स्टेट में ना रखा जाए, और अगर इमोशनल स्टेट में है तो उस वक्त उसकी जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सॉल्व किया जाए, फिर उसकी लर्निंग पे काम किया जाए, तब उसको हम टॉपिक समझाएं या तब हम थोड़ा सा उसके लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो एक सिचुएशन को देख करके होता है। भाई हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उसमें टीचर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक मोटिवेशन दे सकता है, कर सकता है, तो वो एक बात होगी कि आपकी मेंटल हेल्थ क्या है। फिर आपकी फिजिकल हैंडीकैप्स एंड डिसफंक्शनिंग, अगर आपका फिजिकली कुछ चैलेंज है, अगर आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है या लिखने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, तो वो भी जो लर्निंग है वो उसको थोड़ा सा अफेक्ट करती है। पुअर विजन, हियरिंग डिफेक्ट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप या चैलेंज्ड हो, तो कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग होती है वो हैम्पर होती है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। दूसरा है डाइट एंड न्यूट्रिशन। अब डाइट एंड न्यूट्रिशन में क्या है कि देखो, हमारे ना बॉडी के अंदर में जितनी भी चीजें सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से चल रही होती है, हमारा ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है कब क्या करना है, हाथ उठाना है, बोलना है, खाना है, पीना है, सब चीज को इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ब्रेन। तो हमारा ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमें ऐसा अपना डाइट रखना चाहिए कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर प्रोटीन मिले, प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स मिले। अब जैसे कि बात कह लें कि 90% ऑफ द ग्लूकोज, अब ये आपके फैक्चुअल बात आ गई कि जो 90% जो है ग्लूकोज वो ब्रेन सेल्स कंज्यूम करते हैं, मतलब आपकी जो दिमाग के अंदर सेल्स होते हैं वो 90% आपके बॉडी में जो भी ग्लूकोज आप इंटेक करते हो, ग्लूकोज जो भी लेते हो वो कंज्यूम करते हैं। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में आप प्रॉपर अमाउंट में जब ग्लूकोज नहीं लोगे, आप पुअर डाइट करोगे, तो आपके बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, मतलब प्रॉपर आप ऐसा डाइट रखो कि एटलीस्ट 90%, मतलब आपका ग्लूकोज का जो भी अमाउंट है, जितना भी आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो बराबर मिलती रहे, क्योंकि मिलेगी तभी तो आपका, क्योंकि जितना भी आप ग्लूकोज का इंटेक करोगे उसका 90% तो ब्रेन सेल आपका कंज्यूम कर लेगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर एडिक्वेट मात्रा में आप ग्लूकोज इंटेक ही नहीं करोगे, तो आपका ब्रेन सेल्स कहाँ से एक्टिव हो पाएगा, तो उसका अफेक्ट जो होगा वो आपकी लर्निंग पे होगा, बहुत ही विपरीत एडवर्स अफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन सही होने चाहिए, इसीलिए बोला जाता है कि बादाम खाओ और मुनक्के मुनक्के खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, काजू खाओ, और ये सारी चीज़ें खाओगे जो दिमाग मजबूत होगा, अखरोट खाओ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खानी चाहिए आपको। आपका अटेंशन और आपका इंटरेस्ट बड़ा मायने रखता है, अटेंशन और इंटरेस्ट दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, किसी भी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हो उसके प्रति आपका कितना इंटरेस्ट है, ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है तो आप अटेंशन दे पाओगे, जब ज़्यादा अटेंशन दोगे तो चीज़ों को अच्छी और बेहतर तरीके से लर्निंग कर पाओगे। ठीक, तो किसी विषय के लिए आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है ना, यूजीसी नेट, अगर आप एग्जामिनेशन है ना ये क्रैक करना चाहते हो, क्लियर करना चाहते हो, इंटरेस्ट है तो ही पढ़ो, खाना पूर्ति के लिए मत पढ़ो, अगर इंटरेस्ट है तो ही इसमें कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, यहाँ नहीं कहीं भी, तो वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई करो, डांसिंग करो, सिंगिंग करो, गाना गाओ, राइटिंग करो, रीडिंग करो, या कुछ भी जो भी कर रहे हो, इंटरेस्ट होना जरूरी है, तभी उसमें आप अटेंशन अपना दे पाओगे। गोल सेटिंग एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशन, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी चीज को प्राप्त करने का, चाहने का, मतलब जो चीज आप चाहते हो वो लेवल क्या, किस लेवल पे आप किसी चीज को चाहते हो, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ये साइको डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर इनको बोला जाता है, गोल सेटिंग के लेवल एस्पिरेशन इनको साइको डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। गोल हमेशा आपको कैसा सेट करना है, हाई सेट करना है, लो सेट करना है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरीड करता है, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये डिफरेंट, मतलब डिफरेंट होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं भाई उनका जो एबिलिटी होती है वो
हाई लेवल पे उस वक्त पहुंचने की नहीं होती, थोड़ी सी वो रिविजन करेंगे, मेहनत करेंगे तो हाई लेवल हाई टारगेट वो सेट करेंगे तो उनका हो जाएगा। तो ये टीचर को ध्यान देना पड़ता है कि लर्नर का मेंटल एबिलिटी क्या है, उसको रियलिस्टिक व्यू दिखाना, उसको सच बताना कि भाई तुम्हारी एबिलिटी क्या है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसके गोल को सेट करना, चाहे हाई गोल सेट करना चाहे लो गोल को सेट करना। तो अकॉर्डिंगली जो भी उसकी एबिलिटी है लर्नर की, उसको अपनी धीरे 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 एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए टीचर क्या करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। पहले अब जैसे कि मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप डायरेक्टली जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कब कर पाओगे, जब थोड़ा सा कंसेप्ट पता होगा ना, थोड़े से कंसेप्ट पढ़ो, है ना, टॉपिक वाइज पढ़ो, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लोगे, थोड़े से टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर लोगे, तब आप जो है एमसीक्यूज लगा पाओगे, तब आपके एमसीक्यूज सही लगेंगे, तब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सही कर पाओगे, तब आप मॉक टेस्ट सही से दे पाओगे। पता चला मॉक टेस्ट लगाने लगे, एमसीक्यू लगाने लगे, कोई क्वेश्चन ही नहीं सही बन रहा है, अब क्या हो जाओगे, अब तो डिमोटिवेट हो जाओगे ना कि यार मेरे तो सवाल ही नहीं बन रहे, कैसे बनेंगे भाई, कंसेप्ट तो पढ़ा ही नहीं, टॉपिक पढ़ा नहीं, तो कैसे सवाल सही बनेंगे। तो वो एक बात होगी, दो चार सही होंगे, सोचोगे यार मेरा तो बन ही नहीं सकता, नहीं, तो टीचर का यही काम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं साइको डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, गोल सेटिंग से ही आपका जो एस्पिरेशन लेवल है वो हाई होता है। ये एक बात हो गई। तो लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सारी चीजें थी वो हमने पढ़ा। अब पढ़ो कि सब्जेक्ट मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ाना है उस सब्जेक्ट, जो विषय पढ़ाना है उस विषय का मैटर क्या है, ठीक, उससे भी आपकी टीचिंग बड़ी ही अफेक्टेड होती है। तो जो एडुकेशनिस्ट होते हैं, मतलब जो एडुकेशनिस्ट, मतलब जैसे वो पढ़ा रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो एक तरीके से सिलेबस का पूरा सिलेबस को इस प्रकार से बनाते हैं कि मेंटली और फिजिकली वो चिल्ड्रंस के डेवलपमेंट में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि हम सिलेबस को जब बनाते हैं, करिकुलम को जो हम बनाते हैं, हम माने कौन, जितने भी एडुकेशनिस्ट होते हैं उनकी बात हो रही है। तो एडुकेशनिस्ट को बोल लीजिए या साइकोलॉजिस्ट को बोल लीजिए, जो मनोवैज्ञानिक रूप से पूरा सिलेबस को तैयार करते हैं, वो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट करना चाहते हैं ओवरऑल किसका, चिल्ड्रंस का, स्टूडेंट का, लर्नर का। तो कौन से मटेरियल इंपॉर्टेंट है और कौन से नॉन इंपॉर्टेंट है, कौन से मटेरियल को पहले रखना है और कौन से मटेरियल को बाद में रखना है, उस हिसाब से उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि पहले आपको मैं बताऊंगी बेसिक चीज, जब तक आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा, मौलिक बेसिक चीज स्ट्रांग नहीं होगी, आप एक बड़े पिक्चर को नहीं समझ पाओगे, बड़े कंसेप्ट को नहीं समझ पाओगे, राइट, वो एक बात हो गई। अब इसमें हम ये डिसाइड करते हैं पहला कि डिफिकल्टी ऑफ टास्क, कि टास्क आपको कितना डिफिकल्ट देना है, जो भी मटेरियल आपको देना है वो एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल के साथ में देना है। पहले डिफिकल्ट लेवल हम आपको नहीं दे सकते, पहले हम आपको इजी टास्क देंगे, ठीक, आपको इजी टास्क देंगे। अगर आप इजी टास्क कर पा रहे हो, चिल्ड्रंस को हमेशा टीचर हमेशा इजी टास्क देगा, इजी टास्क से पता चल जाएगा कि वो उस चीज को कर सकता है कि नहीं, ना उसको बहुत ज्यादा आसान टास्क देना है, ना बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्ट टास्क देना है। आसान टास्क दे दोगे, है ना, तो क्या है कि आप तो आप चिल्ड्रन के मेंटल एबिलिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज नहीं कर पाओगे, वो कुछ नया सीख नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क दे दोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा कि भाई मेरे से तो हो ही नहीं सका, है ना। तो आप उनको ना एक बहुत ही बैलेंस मॉडरेट वे में चीजों को दोगे कि वो धीरे धीरे सीखता हुआ चले, और जितने भी वो टास्क करे हर टास्क से उसकी कुछ ना कुछ लर्निंग होती रहे। सो ये तो एक बात हो गई कि टास्क आपको किस प्रकार से देना है। फिर दूसरा है कि लेंथ ऑफ टास्क, जो भी टास्क दिया जा रहा है उसका लेंथ कितना होना चाहिए, मतलब जो भी आपको मटेरियल दिए जा रहे हैं वो कितना होना चाहिए मटेरियल, वो आपको स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपको मटेरियल देना है, या आपको बड़ा सा मटेरियल दे देना है, आपको डायरेक्ट मैं लाइब्रेरी भेज दूं और बोलूं कि भाई जाओ इस कंसेप्ट को पढ़ के आओ, या मैं आपको कुछ छोटी छोटी बुक्स बताऊं, है ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि ए बुक पढ़ लो, बी बुक पढ़ लो, या ज्ञान अड्डा का चैनल देख लो, या कोई फला चैनल देख लो, है ना, यूट्यूब का। तो ये क्या, मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हूँ, या पहले मैं आपको बोलूं कि भाई आप पहले जो पेपर इजी है, जैसे 10 यूनिट्स हैं, तो 10 यूनिट में से जो आपको सबसे आसान लग रहा है पहले उसको आप कंप्लीट कर लो, ताकि वो आपकी सारी चीजें कंप्लीट होते हुए चली जाए। रीजनिंग पढ़ लो पहले, क्योंकि रीजनिंग से क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। आप ये पढ़ लो, टीचिंग पढ़ लो, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लो, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो। तो ये एक बात होगी, कम्युनिकेशन वाला पढ़ लो, ये एक बात होगी, क्योंकि ये सारे बेसिक्स है, मतलब इन सारे से ही आपके लगभग लगभग 25 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, 25 to 30 questions, 35 questions आपके इन्हीं सारे टॉपिक से कवर हो जाते हैं आउट ऑफ 50 में से। तो जो टास्क का लेंथीनेस है वो डिसाइड करना,
तो वो एक बात हो गई कि लेंदी मटेरियल पॉजेस अ बिग प्रॉब्लम फॉर यंग लर्नर। तो जो यंग लर्नर्स होते हैं, मतलब आप एक अब टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो कि जो स्कूल में बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो यंग लर्नर्स हैं तो उनके लिए हम अगर ज्यादा मटेरियल लेंदी मटेरियल दे देंगे तो वो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा समझना या लर्न करना या सीखना। तो उनको डिफिकल्ट टास्क शुड बी प्रेजेंट इन स्मॉल पार्ट्स, तो बहुत छोटे छोटे में, अगर आपको छोटे छोटे में कुछ डिफिकल्ट बड़ा सा समझाना है तो उसको समझाने के लिए स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मैं अगर आपको समझाऊंगी तो आपको ये एक बड़ा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक। मीनिंगफुलनेस ऑफ द टास्क, जो भी टास्क दिया जा रहा है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी टास्क दे दिया, वो टास्क दो जिससे आपकी लर्निंग हो सके, क्योंकि चिल्ड्रंस के जो आउटकम होते हैं ना वो कहीं ना कहीं जो लर्निंग के आउटकम्स होते हैं ना वो चिल्ड्रंस के द्वारा जो रिजल्ट लास्ट में आता है उसे पे पता चल जाता है कि मटेरियल हमने किस प्रकार का उनको दिया, और हमेशा उनको इस प्रकार का मटेरियल देना चाहिए जिससे इनकी लर्निंग आसान हो सके, ठीक। तो ही वो एक लर्न कर पाते हैं चीज को या इजी तरीके से वो समझ पाते हैं, मीनिंग दे पाते हैं उस टास्क को। तो ये एक बात हो गई सिमिलैरिटी ऑफ द टास्क, जो टास्क दिया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही है उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी से क्या होगा कि आपको चीजों को याद करने में बड़ी कंफर्टेबल होगा और मतलब कन्वीनियंट वे में आप चीजों को याद कर पाओगे, बहुत ही कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन जाएगा, एक अनुकूल इन्वायरमेंट बन जाएगा, आपकी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। तो टीचिंग और लर्निंग की जो सिचुएशन है वो तो बहुत आसान हो जाएगी। देन आपका ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल, आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज मटेरियल में, मतलब एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चीजों को, मटेरियल्स को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि सिंपल पहले पहले चीजें देनी चाहिए, फिर डिफिकल्ट की तरफ जाना चाहिए, कंक्रीट चीजें देनी चाहिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजें देनी चाहिए, पहले डायरेक्ट चीजें बतानी चाहिए, फिर इनडायरेक्टली चीजें बतानी चाहिए, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट साथ साथ किस प्रकार से लर्नर का हो सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। इसमें क्या होगा कि टीचर की भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी और लर्नर्स की भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देने चाहिए जिनसे कि लर्नर अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सके, सारे बुकिश एग्जाम्पल दोगे तो नहीं समझ आएगा, अगर कोई बच्चे को बात उनके आसपास की एग्जाम्पल्स को देके समझाओगे तो उनको बहुत इजिली और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मटेरियल क्या देना है, उसका आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसको, टीचर को। लाइफ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि कभी कभी ऐसे भी एग्जाम्पल दो उनको कि जो वो कभी ना भूल सके, है ना। आपके लाइफ में सपोज करो कुछ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है ना, अगर मैं उस चीज से रिलेट करके अगर आपको कोई बात समझाऊंगी, है ना, तो आप वो कभी नहीं भूलोगे। तो हमेशा लाइफ लर्निंग देनी चाहिए, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि द टास्क टू बी लर्न मस्ट बी प्रेजेंटेड इन एन इंटर रिलेटेड मैनर, मतलब इंटर रिलेट करना चाहिए हमेशा, कि आप जैसे कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये टीचिंग लर्निंग वाला पढ़ रहे हैं, आप भी कभी स्कूल में बैठे होंगे, आपने भी कभी टीचर को वो चौक से मारा होगा, कागज बना करके फेंका होगा, नहीं फेंके होंगे तो किसी और ने फेंका होगा, आप हंसे होंगे, पीछे बैठ करके कुछ गॉसिपिंग करी हुई होगी, आपके भी क्लास में कुछ कपल्स बन रहे होंगे, उनको देख करके आपने भी हंसा होगा, कुछ गॉसिपिंग करी होगी, तो वो सारी चीजें क्या है ना। जब अब डिपेंड करता है कि कौन सा चीज क्या चल रहा है, कहाँ पढ़ाई कहाँ पे कौन सी चीज चल रही है, तो उस चीज को आपको वैसे एग्जाम्पल दे करके समझाओगे तो एक बात समझ में आएगी, है ना। कई बार आप भी टीचर्स के चीजों पे हंसे होंगे, है ना, कई बार और लोग हंसे होंगे तो उनको देख करके आपको कई बार गुस्सा भी आया होगा, या आप धीरे से वो हंस रहे हैं तो फिर मतलब अंदर ही अंदर मजे लेते हो, आपने भी हंसे होंगे, लेकिन फिर अपनी गुड इमेज को दिखाने के लिए शांत हो गए होंगे कि नहीं हमने नहीं हंसा, हमने कुछ नहीं करा, उन्होंने कुछ किया है, तो वो एक बात हो गई, उससे एक इफेक्टिव लर्निंग होती है। तो हर एक टीचर को ना इस प्रकार से करनी चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताया कि आपके स्कूल टाइम का थोड़ा सा आपको बात याद दिलाया, या कॉलेज लाइफ की आपको थोड़ी सी बात याद दिलाई, तो वही एक बात है, लाइफ लर्निंग इसी को बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इसमें कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, मतलब आपके जो इन्वायरमेंट जहां पे आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हो रही है उनसे भी अफेक्टेड होते हैं। अब अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना चाहिए टीचिंग के दौरान, और एक मेंटल डेवलपमेंट के लिए चिल्ड्रन के अप्रोप्रिएट मेथड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इसीलिए देखो अब इसमें क्या है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस में क्या है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इट इज ऑल्सो नोन, इस इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं, मैथड ऑफ मासेस वर्सेस स्पेस्ड प्रैक्टिस। इसमें क्या है कि जो आपकी लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, अपॉन द रेट एट विच इंडिविजुअल प्रैक्टिस टास्क।
आप किसी टास्क को कितना प्रैक्टिस करते हो, किसी एक गेम को बार बार खेलोगे, पबजी को बार बार खेलोगे तो मास्टरी कर लोगे ना, लूडो गेम को बार बार खेलोगे तो मास्टरी कर लोगे ना। स्कूल टाइम में जो जो गेम खेला है, क्रिकेट खेला है या क्या बोलते हैं कबड्डी खेला है या खो खो खेला, पहले तो खो खो भी खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, मतलब वो सारे गेम पता है ना, क्यों पता है, प्रैक्टिस करिए ना उस पे। या बचपन में किसी कंसेप्ट को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लॉ पढ़ा है न्यूटन का, कभी भूल सकते हो? नहीं भूल सकते, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करिए, उसको समझा ही बहुत अलग तरीके से है। तो वही एक बात है, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ प्रैक्टिस इंटररीड्स विद अ पीरियड ऑफ रेस्ट परमिट मोर एफिशियंट लर्निंग देन दस कॉन्टिन्यूस और मास प्रैक्टिस। जब आप किसी चीज के ऊपर शॉर्ट पीरियड के लिए प्रैक्टिस करते हो तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, जब एक लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करते हो, मास प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो वो एक लाइफ टाइम लर्निंग बन जाती है और इफिशियंट लर्निंग आपकी हो जाती है। नेक्स्ट है कि होल वर्सेस पार्ट लर्निंग। आप होल लर्निंग मतलब एक, जब आप लर्निंग कर रहे हो तो आप कैसी लर्निंग कर रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हो या आप एक ही बार में 4 घंटे पढ़ रहे हो, है ना। सपोज करो एक टॉपिक है, उस टॉपिक सपोज करो कि आपको डीआई के क्वेश्चन आप लगा रहे हो, ठीक। अब डीआई के 20 क्वेश्चन है, 20ों क्वेश्चन को आप एक ही सिटिंग में कर रहे हो, मतलब 4 घंटे बैठ करके डीआई के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, नहीं सॉल्व हो रहे फिर भी सॉल्व किए जा रहे हो, या आपने सोचा कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर नेक्स्ट सिटिंग में 5 करना है, ब्रेक लेना है, या 10 सेटिंग में करना है, या मतलब ब्रेक में कर रहे हो या पार्ट पार्ट में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो बड़ा मायने रखता है आपकी लर्निंग में। अब जैसे कि ये समझ लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, एक दिन में 2 सेट करना चाहते हो या 2 दिन में 1 सेट करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो थोड़ा डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हर आपकी मेंटल एबिलिटी अलग है ना। अब 4 घंटे पागलों की तरह बैठ करके पढ़ना मैं तो अच्छा नहीं मानती, ठीक है। ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है, आपका दिमाग है उसको तो रेस्ट दो, आओ पियो, ब्रेक दो, 1 घंटा पढ़ो, 1.5 घंटा पढ़ो, एक सिटिंग में 1.5 घंटा ज्यादा मैं तो नहीं बोलूंगी पढ़ने के लिए, एक सिटिंग में 1.5 घंटा एनफ है, ठीक। पढ़ो फिर 15-20 मिनट का गैप लो, ब्रेक लो, कुछ खाओ पियो, फिर बैठ के पढ़ो, है ना। नेक्स्ट जब बैठ के पढ़ो तो 1.5 घंटा नहीं पढ़ना, फिर 1 ही घंटा पढ़ना, भाई माइंड है, एक तरीका होता है पढ़ाई का, उस तरीके से पढ़ोगे तो वो चीज हो जाएगी। तो अब लर्निंग आपकी क्या है, होल में कर रहे हो पार्ट में कर रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। नेक्स्ट है इसमें रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग में एक चीज होती है, कई बार देखा होगा कि आप बचपन में ऐसा करते होगे कि टीचर बोलता होगा कि बोल बोल के पढ़ो, या तो आपको फिर क्लासरूम में बोलता है कि बुक लो उठाओ रीड करो। क्यों बोलता था ऐसा, क्योंकि जब आप रीड करोगे तो आप बोलोगे, बोलोगे तो वो आवाज कहीं ना कहीं आपके भी कान में जाएगी, तो आपका रीडिंग एक तो कैपेसिटी अच्छा होगा, दूसरा आपका जो स्पेलिंग कैपेसिटी है, जो वोकैब है वो भी अच्छा होगा, रीडिंग के साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल वो भी जबरदस्त हो जाएगी। तो सस्वर पाठ बोलते हैं रिसाइटेशन का, मतलब कि लाउड पढ़ना, लाउड पढ़ोगे वो आपके कान में, साइकोलॉजिकल बात है पूरी, रिकॉल करोगे उसको, रिकॉल करने में भी आपको याद आएगा, मजा आएगा, ठीक। आप ये चीज को मतलब देख लो, मेरा ये खुद का एक्सपेरिमेंटेड है, किसी एक टॉपिक को जो आपको लगता हो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल याद मत करो, 1 महीने सिर्फ उसको रोज 2 टाइम पढ़ो, बस पढ़ो, याद मत करो, सिर्फ उसको रीड करो, बोल के रीड करो, सिर्फ बोल के रीड करो और याद, बस एग्जाम मतलब भी करके देखो एक्सपेरिमेंट। अगर ये बात मेरी गलत निकली तो चैनल पे आकर के मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं सच बता रही हूँ। सिर्फ किसी भी चीज को, सिर्फ कंसेप्ट मतलब इसी चीज को नहीं जिस चीज को मैं बता रही हूँ, किसी भी चीज को आप जो आपको लग रहा है मुश्किल है उसको 1 महीने 2 महीने जो जितना भी एग्जाम के लिए टाइम बचा हुआ है सिर्फ डेली रीड करो, एक बार सुबह रीड कर लो, एक बार शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले रीड कर लो, बस फिर देखो यार 15 से 20 दिन के बाद में आपको वो वर्ड्स बैठ जाएंगे। बट हाँ तरीके से करना है रीड, आपको बोल के पढ़ करना है, लाउडली थोड़ा सा करना है, ठीक। और मन करे तो एक बार मन में भी पढ़ सकते हो, बट 2 बार तो लाउड रीड करके पढ़ो, लाउड का मतलब चिल्ला गला फाड़ के नहीं, मतलब इतना कि कुछ दूर तक आपकी आवाज जाए और कानों में थोड़ा टकराए, वो एक बात हो गई। तो रिसाइटेशन एक तरीका होता है लर्निंग का, इससे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लर्नर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। रिसाइटेशन मेथड क्लासरूम का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और जो भी स्टूडेंट इस वाले मेथड को अपनाते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट उनका बैठ जाता है। देखो आप इतने देखा होगा जो पंडित लोग होते हैं ना, जो आपके घर में पूजा होती है, पंडित लोग आते होंगे,
वो इनको मंत्र एकदम कंठस्थ होता है, याद होता है पूरा एकदम ए टू जेड। इतने क्रिटिकल मंत्र होते हैं, शिव तांडव स्तोत्र को देख लो, इतने क्रिटिकल मंत्र हैं, कोई याद थोड़ी करता है उसको। पता चला याद करके गए, किसी के यहाँ पूजा कराने बैठे हो, वो मंत्र ही भूल गए। क्यों? क्योंकि याद किया, रट के गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो लोग डेली उसको पढ़ते हैं, सुबह शाम, दिन में 3 बार 4 बार, जितनी भी बार पूजा करते हैं उसको डेली रटते हैं। उनको पता है इस वर्ड के बाद यही वर्ड आएगा, इतना उनका जबान फिट हो जाता है ना। ये उनके मेंटल लेवल में, साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, और ये सभी के साथ में होता है। इसको आप भी अप्लाई करो, और गारंटीड है जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती हो उस पर ये ट्राई करके देखना। नहीं अच्छा लगेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल, देखो ठीक। बट हाँ, अनसब्सक्राइब करने से पहले एफर्ट जरूर डाल लेना। तो नेक्स्ट है इसमें क्या, नॉलेज ऑफ रिजल्ट। अब नॉलेज ऑफ रिजल्ट में क्या है कि देखो, कोई भी लर्नर हुआ, आपने उसको कुछ ही समझाया, ठीक। अब आपने उसका टेस्ट लिया, टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट लोगे तो आपको उसको पता चलेगा कि उसने कितना सही किया कितना गलत किया। फिर आप उसको बताओ कि बेटा आपने यहां पे गलत किया है, उसको पता चलना चाहिए कि उसने कहाँ गलत किया। सही किया है तो उसको अप्रिशिएट करो कि बहुत अच्छा किया। उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन दो उसके खुद के बारे में, उससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट कराते हैं बच्चों का, क्लास टेस्ट कराते हैं। क्या मोटिव रहता है क्लास टेस्ट जब कराते हैं बच्चों का? तो सपोज करो 10 मार्क्स का हमने क्लास टेस्ट कराया, ठीक। अब बच्चे को मिला 6 मार्क्स, तो हम रिपोर्ट कार्ड में लिखते हैं ना कि कहाँ मिस्टेक है, मिस्टेक्स को मेंशन करते हैं ना। क्यों? तभी तो वो करेक्ट करेगा। और अगर उस बच्चे ने आंसर बहुत अच्छा लिखा है तो उसको अप्रिशिएट भी करो कि ये वाला आंसर बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे ही लिखना आगे के आंसर्स को। अगर 10 आउट ऑफ 10 आए हुए हैं तो उनको क्या देते हो? वेरी गुड देते हो, एक्सीलेंट देते हो। क्यों? आपको भी मिला होगा, कुछ बच्चों को पुअर भी मिला होगा, सोसो भी मिला होगा, ठीक। भाई मुझे तो दोनों मिले हुए हैं, है ना, मैं झूठ क्यों बोलूं, ठीक। तो ये एक बात हो गई। क्यों जरूरी है? आपको आपके रिजल्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप मोटिवेटेड होते हो। नॉलेज बहुत बड़ा एड करता है, हेल्प करता है लर्निंग प्रोसेस में। ये एक तरीके से आपके लिए इंसेंटिव होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी लर्निंग को एक तरीके से बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और आपका जो एक इंटरेस्ट है, जो आपका एक बोल सकते हो कि लगन है, वो और बढ़ती है। आपको आपकी ताकत के बारे में पता चलता है और आपकी वीकनेस को बारे में पता चलता है। तो ये एक बात होगी नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, लर्निंग बाय डूइंग्स। अब इसमें क्या है, कई बार जो लर्नर्स होते हैं उनको पार्टिसिपेट करके समझाया जाता है, सिखाया जाता है, और उनको टास्क में इन्वॉल्व करके सिखाया जाता है। तो टीचर को ना बच्चे को समय समय पर टास्क देने चाहिए ताकि उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन बनता रहे। कभी कभी हमारे स्कूल के टाइम में भी ऐसा होता था कि हमसे बुक्स रीडिंग कराई जाती थी, कभी जहाँ पे हम बैठे हैं सिर्फ वहीं पे खड़ा करके कराते थे, या कभी कभी तो अपने पास बुला करके जहाँ पे डायस होता था वहां पे कराते थे, है ना। तो उससे एक क्या होता है कि आप कोई चीज जब करते हो, आपके फिजिक्स के लैब में हम लोगों को लेके जाते थे एक्सपेरिमेंट्स, बायो के लैब में लेके जाके केमिस्ट्री के लैब में एक्सपेरिमेंट्स कराते थे। तो वही हो गया कि आप किसी चीज को जब करते हो तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीखते हो। सुटेबिलिटी ऑफ मेथड, कहीं ना कहीं जो मेथड है, किस प्रकार से आपको चीजों को मतलब एक्सप्लेन करना है, वो बड़ा मतलब ही मायने रखता है। आपको डिस्कशन मेथड से कुछ ही समझानी है। हमारे स्कूल में डिबेट्स होते थे, मतलब कोई टॉपिक दे दिया जाता था और बोला जाता था कि इसमें स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, और फला डेट को, अगले संडे को या अगले मंडे को इस पे डिबेट डिस्कशन होगा, है ना। तो बड़ा ही एक मेथड, बहुत ही एक तरीके से बोलिया जाए कि उनके कम्युनिकेशन स्किल को या झिझक को, भड़क को निकालने का वो एक तरीका होता था। जैसे कि अभी हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में या पीपीटी के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके सिखा रही हूँ आपका लेक्चर का मेथड क्या है। प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट का मेथड क्या है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब ये कि जब आप उनको डिस्कवर करने के लिए बोलते हो कि आप खुद से जाओ सीख करके आओ, है ना। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है कि व्हेन व्हेन वी आस्क लर्नर्स टू डिस्कवर और लर्न समथिंग फॉर देमसेल्व्स, आप अपने लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करो, घर पे जाओ चाय बनाओ और चाय बना करके पी के बताओ कि कैसी चाय बनी है, ठीक। वो एक बात हो गई। या घर पे जाओ पौधे को काटो, बायो के लैब में अक्सर ऐसा होता था, मतलब सिखाते थे पेड़ वेड़ के बारे में, हमने भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए थे बट हमसे कभी हुए नहीं। कि बोलते हैं ना पहले बचपन में कि वो, अभी भी ऐसा होता है, मैंने तो बचपन में बहुत ट्राई किया था, बड़ा शौक था मुझे, नेचर से बड़ा प्यार था। तो वो एक गुलाब की कलियां होती है, उसको काट करके लगाओगे तो गुलाब के ही जैसा वैसा फूल निकल आएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हम लोग स्कूल के टाइम में सिखाते थे, है ना। तो वो एक क्या हुआ, ये टीचर बोलता था बच्चे को कि जाओ इसको करो, कली को काट के लेके आना स्कूल में, हम लोग प्लांट करेंगे या अपने घर पे प्लांट करना। इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड, मतलब आप बच्चे को खुद सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो। प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड,
ये एक बात हुई। प्ले वे मेथड, आप खेल खेल में बच्चों को सिखाते हो। स्टोरी टेलिंग मेथड, स्टोरी के माध्यम से फील्ड वर्क, कुछ फील्ड पे लेके गए, कुछ एक्सकर्शन करा दिया, मतलब हमारे इंडस्ट्रियल ट्रिप्स होते हैं, टूर्स होते हैं ना, कॉलेज में आपने भी करे होंगे इंडस्ट्रियल, आपने विजिटिंग वगैरह करी होगी या ट्रिप्स वगैरह करे होंगे। तो ये सारे मेथड होता है, मतलब आप किस मेथड से आप लर्नर्स को सिखाना चाहते हो, चिल्ड्रंस को सिखाना चाहते हो। फिर टीचर एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, अब इसमें क्या है कि ये सारे फैक्टर्स बड़ा ही इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, वैसे तो सारे ही करते हैं टीचिंग लर्निंग आउटकम्स में। फिजिकल इन्वायरमेंट आपका क्या है, किस इन्वायरमेंट में आप पढ़ रहे हो, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके क्लासरूम का कल्चर क्या है, आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ का सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, टाइम टेबल कैसा है, सुबह पढ़ रहे हो शाम को पढ़ रहे हो, आपका करिकुलम क्या है, एंड फटीग एंड रेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ब्रेक मिल रहा है कि नहीं, मतलब मेरा ऐसा तो नहीं कि पढ़ते पढ़ते थकान ही होने लग रही है और बोर हो जा रहे हो, मतलब वो एक बात होती है। एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकूल इन्वायरमेंट, तभी लर्निंग भी आपकी हो पाती है। अभी समझो कि इस हमारे इसी प्रोसेस में, लर्निंग के प्रोसेस में पीछे से कोई चिल्ला रहा हो, लड़ाई कर रहा हो, झगड़ा कर रहा हो, शोर शराबा आ रहा हो, पढ़ पाओगे, इरिटेट हो जाओगे, है ना। आपके घर में भी अगर हो रहा होगा ना, तो वीडियो को पॉज कर दोगे, सोचोगे यार चलो बाद में देखूंगा या देखूंगी जब माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो वही एक बात होगी। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके इंस्टीट्यूशन संस्थान के होते हैं, जो अफेक्ट करते हैं आपकी लर्निंग को, मतलब जिस भी जगह पे आप जा रहे हो पढ़ने के लिए, जब आप स्कूल में जाते हो या जब कॉलेज में जाते हो या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, तो वहां का माहौल कैसा है। ठीक, तो वो भी बड़ा एक तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो आपकी टीचिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ठीक, अब इसमें क्या है, अब जैसे स्कूल में गए, क्लास में गए बच्चे, मतलब हम लोग के साथ तो ऐसा बहुत होता था, आपके साथ भी साथ होपफुली होता ही रहा होगा। क्लास में जब कम बच्चे आते थे ना, तो हम टीचर से बोलते थे सर आज मत पढ़ाइए, एक एक माइंड होता था, है ना। क्लास में अगर 60-70 की स्ट्रेंथ हो और उस दिन अगर 20 ही बच्चे आए हों, तो हम लोग सर को इंसिस्ट कर देते थे कि भाई सर प्लीज आज कुछ और करते हैं, आज आज पढ़ाई का मूड नहीं है। तो स्टूडेंट रेशियो देखा जाता था, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। ठीक, तो वो एक बात हो गई, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स ही, 3-4 टीचर्स ऐसे होते हैं जो गायब हो जाते हैं, नहीं आते हैं, मतलब किसी भी कारण से नहीं आ पाते हैं स्कूल में। तो एक टीचर को बोला जाता है कि आप उनकी भी क्लास ले लो, आप उनकी भी क्लास ले लो। अब थक जाता है यार, अगर सोचो 7-8 क्लास उसको लेनी पड़ जाए बैक टू बैक, है ना, या कॉन्टिन्यूस 6 घंटे का अगर स्कूल है, अगर आपका बोले 8 to 8, सुबह 8 बजे से अगर स्कूल है आपका, 12 बजे तक स्कूल है, तो भाई 6 5 6 क्लास लेते लेते वो बैक टू बैक खत्म हो जाएगा। वो तो कहीं नहीं लर्निंग अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, जितना एनर्जी के साथ वो पहली क्लास ले पाएगा, क्या उतनी ही एनर्जी के साथ में वो 5th क्लास ले पाएगा क्या, है ना। तो वो एक बात हो गई। स्टूडेंट का रेशियो भी होता है, स्टूडेंट भी बोलते हैं सर आज नहीं पढ़ते हैं, आज कुछ अलग से करते हैं, वो एक बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि क्वालिटी ऑफ टीचर्स, टीचर्स की क्वालिटी क्या है, उनका कमिटमेंट क्या है। टीचर ने अगर बोला कि मैं अगले हफ्ते आपका टेस्ट लूंगा, तो उसको टेस्ट लेना चाहिए। अगर तो उसने बोला कि मैं 2 महीने में आपका अगर 10 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर हम लोग पढ़ा देंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। अगर टारगेट लेके चल रहा है कि 2 महीने में हमें पूरा कंप्लीट कर देना है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कंप्लीट कर दे। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा मायने रखता है, जिस बिल्डिंग में आप पढ़ रहे हो, जिस टेबल पे, जिस चेयर पे आप पढ़ रहे हो, जिस ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड टूटे हैं, चेयर्स टूटी हुई हैं, है ना, सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं मेंटेन है ना। तो वो एक तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता है, टीचिंग पूरा एक माहौल नहीं बन पाता। फिर आप नेक्स्ट है कि टीचिंग मेथड क्या अपनाते हो। अब क्लास में ब्लैक बोर्ड अगर टूटा हुआ है ना, तो वो भी बड़ा वो करता है बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के लिए, क्रिएटिव बनाने के लिए। आजकल तो पीपीटी और प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, ताकि हम उनको एनिमेटेड चीज़ें दिखा सके, वीडियोस दिखा सके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अडॉप्ट करके टीचिंग को और अच्छा इफेक्टिव बनाते हैं। मैनेजमेंट कैसा है कॉलेज का, है ना, कॉलेज के मैनेजमेंट से भी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, आपकी टीचिंग अफेक्टेड होती है। आपके इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स क्या है, मतलब जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ रहे हो वो इंस्टीट्यूशन कैसा है, मतलब वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। ऑब्वियसली अगर अच्छा इंस्टीट्यूशन है, तो टीचर्स भी अच्छे ही होंगे, टीचर्स को वो अच्छा हायर करेंगे, अच्छी पे स्केल पे रखेंगे, अच्छी पे स्केल पे। अब टीचर क्या है कि आप टीचर से पढ़वा रहे हो जबरदस्त, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे स्कूल्स, टीचरों से मेहनत करा रहे हो, उन कुछ दे नहीं रहे हो, उस हिसाब से सैलरी उनको नहीं कर रहे हो। मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स के होते हैं, उनके साथ में ऐसा बहुत होता है कि उनको सैलरी अच्छी नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैनेजमेंट का वाला रोल है ना, वो बड़ा इफेक्टेड होता है। तो इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट वाली बात होगी। स्टेबिलिटी, अब मतलब स्टेबिलिटी वाली क्या बात है, अब
ये समझो कि स्कूल है, 30 दिन का स्कूल है, आपने मतलब मान के चलते हैं कि हर महीने में एक दो त्यौहार, 30 त्यौहार तो आते ही हैं, 4 संडे में बीत गया, एक दो फेस्टिवल हो गए, मतलब आप मान के चलो कि 8 से 10 दिन तो छुट्टी रहती ही है, बचे कितने, 20 दिन बचे। अब 20 दिन में भी अगर टीचर नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद कर दिया, क्या ही बच्चों की लर्निंग हो पाएगी। स्टेबिलिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस इन्वायरमेंट में आपके इंस्टीट्यूशन है। ऐसा तो नहीं कि आसपास थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, हाइजीन वगैरह होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, सपोर्टिंग होना चाहिए, लर्निंग वाला एक इन्वायरमेंट होना चाहिए, फिजिकल और मटेरियल रिसोर्सेज क्या क्या है ना, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। कि भाई अगर आप बायोलॉजी के लिए, मतलब बायोलॉजी का क्लास अगर आप कर रहे हो, या केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हो, या फिजिक्स का आपका क्लास चल रहा है, तो प्रॉपर लैब्स वगैरह, एक्सपेरिमेंटल लैब्स हो, ठीक, कि बच्चा कुछ सीख सके, वो मटेरियल प्रॉपर होनी चाहिए, लाइब्रेरीज प्रॉपर होनी चाहिए, एंड अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला अगर आप सिखा रहे हो बच्चों को, तो उस हिसाब के गेम्स वगैरह होने चाहिए। क्योंकि सिर्फ पढ़ाना ही, मतलब सिर्फ बुक की बात को बताना ही टीचिंग नहीं होती है, आप फिजिकली कितना बच्चे को डेवलप कर रहे हो, वो भी बड़ा एक मायने, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इतना हमने पढ़ लिया कि ये सारे कुछ फैक्टर्स थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, बट फिर भी एक ये लास्ट टॉपिक है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये कुछ 10 इधर है और 9 उधर है, कुछ 19 पॉइंट है, इस 19 पॉइंट को रीड कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल आ जाते हैं मतलब एग्जाम में। तो एनसीईआरटी ने कुछ स्ट्रेस किया हुआ है, एनसीईआरटी ने अपनी पब्लिकेशन में, अपनी बुक में कुछ टीचिंग स्किल्स बताए हुए हैं, और वो सारे ये आपके सामने स्क्रीन पर टीचिंग स्किल्स है, मतलब एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने अपनी पब्लिकेशन में टीचिंग स्किल्स 1982 में इन्होंने जब पब्लिकेशन किया था इस बुक का, तो बताए थे कि ये सारे कुछ टीचिंग स्किल्स होने चाहिए। पहला क्या है, राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को लिखना आना चाहिए कि आपको किस प्रकार से बच्चे को इंस्ट्रक्शन देना है। कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये पता होना चाहिए, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए लेसन को। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चंस, क्लासरूम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपको उनका आंसर करना है, क्वेश्चंस के आंसर आपको डिलीवर करने हैं। मैनेजमेंट को रिस्पॉन्स करना है, एक्सप्लेन करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देना चाहिए पढ़ाते वक्त, टीचिंग के लिए जो भी एड्स हैं, जो भी हेल्प है, मतलब यूजिंग टीचिंग एड्स, मतलब प्रोजेक्टर का या ब्लैक बोर्ड का, वट एवर जो भी चीजें हैं उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। स्टिमुलस वेरिएशन, हर एक, देखो स्टिमुलस का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं, तो आपको एक स्टिमुलस वेरिएशन, वो सारी वेरिएशन को, जैसे कॉग्निटिव वे में या मेंटल वे में, फिजिकल वे में, क्या एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोत्साहित कर रही है, वो आपको समझना होगा। लेसन को आपको किस तरीके से पढ़ाना है, कितनी गति से पढ़ाना है, एक लेसन को कितने वक्त में खत्म करना है, बच्चों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना होगा, ब्लैक बोर्ड्स वगैरह का यूज करना होगा, ब्लैक बोर्ड का यूज करना तो ये टीचिंग एड में ही आ जाएगा। अचीविंग क्लोजर ऑफ लेसन, लेसन लेसन को जब उनको क्लोज करना है तो कुछ कंक्लूजन देना चाहिए, कैसे देना है, मतलब बेसिक सारी बातें हैं, असाइनमेंट्स देना चाहिए, और एक इवेल्युएशन भी करना होगा बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट को, कि भाई बच्चा कितना पढ़ा, कितना उसके मार्क्स अच्छे बने, उसकी वीकनेस क्या है ना, रिजल्ट वगैरह उसको डायग्नोसिस करना होगा, बच्चों के लर्निंग्स को, जो भी डिफिकल्टीज हैं, और अगर कुछ डिफिकल्टी है तो उनके लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स भी आप ले बताएं कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम को कैसे खत्म कर सकता है, कैसे अपनी पढ़ाई को, लर्निंग को और अच्छा बना सकता है, क्लास के मैनेजमेंट को और अच्छा आपको बनाना है, मॉनिटर वगैरह बना करके या जैसे भी करके, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कुछ स्किल्स हैं टीचिंग की। तो आज सेशन में हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसी प्लेलिस्ट में अगर पेपर 2 आपका मैनेजमेंट है ना, तो आपको मैनेजमेंट से भी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट वाले में चले जाना, ये सारी वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब कर लेना, बड़ी मेहनत कराते हो यार, सब्सक्राइब तो कर ही लेना, मतलब जान निकल जाती है पढ़ाने में, पढ़ाने से पहले कंटेंट बनाने में, ठीक, बड़ा टाइप करवाते हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, फिर आप मेरे से बोलते हो मैम आपने लिंक तो भेजा नहीं, लिंक कैसे भेज दें यार,
लिंक कैसे भेज दें, मतलब पॉसिबल नहीं होता यार कि लिंक हमेशा आपको टाइम से पहले भेज, दिमाग से उतर गया तो नोटिफिकेशन है, रिमाइंडर सेट करना है, आपको यूट्यूब खुद ही नोटिफिकेशन भेजेगा, तो बेटर कि बेल आइकन को प्रेस कर लो। पैशनेट बनो, अपना मोटिवेशन आप खुद हो, किसी और को सर्च मत करो कि भाई वो मेरे को मोटिवेट करेगा तो मैं मोटिवेटेड होऊंगा, नहीं भाई आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, खुद में हो, आपकी जो स्किल है पोटेंशियल को पहचानो, प्रैक्टिस करो, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है ना, जिसने ये बात बोली थी, एक जमाना हो गया उस बात को बोले, भूल गया था वो, एक गलत लाइन मतलब ऐड नहीं किया था उसने एक वर्ड, ठीक, तो एक बात हो गई, लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, आपको बेनिफिट मिल रहा है, औरों को भी बेनिफिट पहुंचाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हम अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ में मिलेंगे। देखो अभी क्या है कि आज होगी आपकी 3rd सितंबर, देखो अभी आपका जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है अक्टूबर में, जो डेट शीट आई हुई है, तो डेट को रिवाइज भी किया है मैंने, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था, वो वीडियो को देख लेना जरूर से। पहले आपका एग्जाम कब होना था, 6 तारीख से शुरू होना था, 6 से होता आपका 11 तक होता, अब 2 शिफ्ट में होगा, एक तो 6 से 8 अक्टूबर तक होगा, फिर उसके बाद 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक होगा, बीच में 8 दिन का गैप है, जिनका एग्जामिनेशन 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को होगा उनके लिए बड़ा अच्छा बात है, क्योंकि उनको थोड़ा सा पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, जिनका एग्जामिनेशन हो चुका रहेगा, तो एक बहुत ही एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि 10 तारीख को कुछ एक बड़ा एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट करा रही है, मेजर कोई एग्जामिनेशन है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा डेट को रिवाइज किया है, स्केड्यूल थोड़ी सी इनकी चेंज करी है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, देख लेना इसको, और जिनको नहीं पता है उनको शेयर कर दो, एक पूरी 2-3 वीडियो मैंने डाली हुई, पूरा नोटिस से रिव्यू किया हुआ है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में, देख पाते हैं कि हम कितना मतलब कवर कर पाते हैं, अभी हमारे पास आज 3 सितंबर है, लगभग 1 महीने से कुछ कम का वक्त है, जितना हम कवर कर पाए इस पेपर वन को कर पाएंगे, कोशिश मेरी ये रहेगी कि एटलीस्ट मैं आपके 3 से 4 यूनिट तो कवर कर ही दूं, कि उसमें से मतलब 25 से 30 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस, कोशिश, और फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो हम सभी यूनिट्स के करेंगे, एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट सब सभी के करने वाले हैं, बट जो बेसिकली पूरा टॉपिक वाइज जो है, अब इसके बाद रिसर्च शुरू करेंगे, फिर रीजनिंग भी शुरू करनी है, बहुत सारी चीजें करनी है भाई। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड अपने से भी पढ़ाई करते रहो, बाय टाटा।